go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours. तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज के व्लॉग की शुरुआत होती है ग्वालियर से। पहली चीज तो मैं इंदौर से ग्वालियर आ गया था 30th को ही, क्योंकि रक्षाबंधन थी, तो मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज, आज मैं राइड करने वाला हूँ अपने होम टाउन में, और ये है किला, और जो मेरी डेस्टिनेशन है वो होने वाली है मितावली पड़ावली। और मितावली पड़ावली का सीन ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं ग्वालियर में क्या शूट करूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, और ऊपर से मैं अपनी पल्सर से नहीं आया हूं। तो ऑल थैंक्स टू सारांश भाई ने मुझे दे दी है ये पल्सर 250F, जिससे मैं आज राइड करने वाला हूं। तो बिना किसी देर किए, क्योंकि मैंने कॉफ़ी वॉफी सब पी ली है, तो अपन सीधा शुरू करते अपनी राइड, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है 7:45। मेरा टाइम था 5:30 तक निकलने का, बट मैं लेट हो गया क्योंकि होम टाउन है, घर पे सब चिट चैट चलती है, फैमिली के संग बैठे थे, फैमिली टाइम देना भी ज़रूरी है। तो निकलते हैं यहाँ से बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और ये एक प्लेस है ग्वालियर में जहाँ पे हम लोग, जब मैं आपसे 3 साल पहले रहता था तो मैं राइड करने के लिए निकलता था, तो हम लोग यहीं कॉफ़ी पिया करते थे और यही हमारा मीटअप पॉइंट हुआ करता था। तो वही पुरानी यादें वापस से ताज़ा करते हुए ग्वालियर में, और यहाँ हमारे बाबा जी, तो एक आशीर्वाद तो बनता है। बाबा जी मेहर करी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ से सीधा लेते हैं अपन एक बैग और निकलते हैं अपने मितावली पड़ावली के सफ़र पर। और मैं आपको बता दूँ, मितावली पड़ावली का सीन ऐसा है कि मितावली इज़ अ लॉर्ड शिवा टेम्पल, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसी से इंस्पायर्ड होके सांसद भवन दिल्ली बना हुआ है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है और नियर बाय है, तो टाइम थोड़ा सा कम था इस चक्कर में मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, नहीं तो आई हैव मोर एंड मोर प्लेसेस। और होपफुली बहुत जल्दी ग्वालियर वापस आएंगे और पूरा ग्वालियर एक्सप्लोर करेंगे। अभी मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है कि ग्वालियर में घूमने लायक सिचुएशन है नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारा फुल बॉक्स स्क्वायर, मैं तो सारी चीज़ें वापस से मतलब देख रहा हूँ और कैमरे पे कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, मतलब अलग ही लग रहा है। तो मैंने मैप सेट कर लिया है मितावली का, जस्ट कॉज मैं रास्ते थोड़े से भूल चुका हूँ, मुझे 3 साल हो गए इंदौर रहते रहते, हालाँकि मुझे याद है जाना कहाँ से, बट स्टिल मैंने मैप लगा लिया है टू बी सिक्योर एंड सेफ। बाकी छोड़ते हैं फटाफट से सिटी को और मिलते हैं सीधा हाईवे पे। ग्वालियर ने अपने गर्मी का प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और मैं आ गया हूँ ग्वालियर भिंड रोड पे। दिस इज़ अ भिंड रोड, दिस इज़ हाईवे, बट ये सिटी में ही कनेक्टेड है पूरा, और इस रोड से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, बिकॉज मेरे फादर की पहले शॉप थी इसी रोड पे, इवन मेरा स्कूल था इसी रोड पे, और मेरा कॉलेज भी इसी रोड पे था। तो इस रोड से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मेरा ऑलमोस्ट नाना करके भी करीबन 8 से 10 साल इसी रोड पे घूमना हुआ है। बाकी मुझे ये 250 चलाने में आ रहा है मज़ा, क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है, और इवन सारांश ने इसमें बहुत सारे मॉड करा रखे हैं, लाइक ऑक्सिलरीज, ये जो आफ्टर मार्केट साइड मिरर्स हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इसके, और उसके अलावा ये गाड़ी बहुत रिफाइन है, इवन मेरी पल्सर से तो डबल रिफाइन है। अच्छा, एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, बट हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, मुझे पापा ने पहले ही बता दिया था। तो हम लोग जाएंगे हाईवे से। तो मैं कह रहा था ये गाड़ी, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है बहाने पे यार, मतलब ये 100-110 तो बहुत ही प्यार से पहुंच रही है, सुकून दे रही है यार, मतलब लिटरली अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आई हैव टू चेंज माय पल्सर। तो जल्दी जल्दी समझ रहे हो ना क्या करना है अपने को, अपने को कुछ नहीं, अपने को चाहिए सब्सक्राइबर्स 1000 और वॉच आवर 4000 घंटे। तो 4000 घंटे के वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद तुम्हारे भाई का चैनल हो जाएगा मोनेटाइज,
तो जल्दी जल्दी मेरे हेल्प कीजिए मोनेटाइज करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी सारी। तो फटाफट से बिना कुछ टाइम वेस्ट कीजिए, मेरे चैनल के नीचे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। उसके बगल से एक बटन और आ रहा होगा बेल आइकन का, उसको भी लगा दीजिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियोस देख पाएँ नॉनस्टॉप और कनेक्टेड भी रहें। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए, क्योंकि मैं वीडियोस अभी हफ्ते में 3 डालता हूँ, तो उसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं पर डे की स्टोरीज, पोस्ट, रील्स सब डालता हूँ। तो वहाँ मेरा कनेक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है और इवन दो कॉन्टीन्यूस है। तो यूट्यूब पे वीडियोस आर गुड, यहाँ मैं ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और घूमता हूँ और फिरता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली और भी कुछ नया ट्राई करेंगे, तो वो भी जल्दी करेंगे। इसके अलावा अभी हम लोग आ चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे फादर की शॉप थी यहाँ पहले। सो दिस इज़ अ आर्मी एरिया, बेसिकली चंबल फोर्स एरिया, एयरफोर्स सॉरी। तो ये वो पूरा सेक्शन है एयरफोर्स का, एंड दिस इज अ मार्केट छोटी सी, जहाँ मेरे पापा पहले बहुत पहले शॉप हुआ करती थी समवेयर इन्हीं में से कोई एक, तो मुझे याद है बहुत अच्छे से। मुझे थोड़ा सा रूट कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि पापा ने मुझे कुछ और बोला था। चलिए भिंड रोड से चलते हैं, 22 किलोमीटर दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज भिंड रोड बेसिकली, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे तो भिंड पहुँच जाएंगे। आप लोगों ने पॉसिबली सुना ही होगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये 3 नाम जिन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा है, तो वही सेक्शन है ये। तो मेन हाईवे को बाय बाय करके हम लोग आ गए हैं अंदर के गांव वाले सेक्शन में, जहां पे हम लोग अभी जिस रोड पे हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे अपने इंदौर में पीतमपुर है, ऐसे यहां पे मालनपुर है। एंड द थिंग इज़ के अच्छा है, बट यहां से बहुत ज़्यादा घूम घूम के जाना पड़ रहा है। ये वाला रोड मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आई थिंक मैं लास्ट टाइम जब आया था अपने ग्रुप के संग मितावली, आई थिंक शायद 4 साल पहले, तो वो रूट अलग था। दिस इज़ अ डिफरेंट रूट, टोटल डिफरेंट, ये मैं देख ही पहली बार रहा हूँ, बट ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार, ये वाला रूट आई थिंक शायद मैं पहले कर चुका हूँ, बट ये बन चुका है ना तो वो पहचान में नहीं आ रहा। जब मैं आया था तब दिस वॉज ऑफ रोड, प्रॉपर ऑफ रोड। अब एक्चुअल में क्या है, रोड्स बन चुकी हैं। देखो लिखा है यहाँ से, पड़ावली 7 किलोमीटर्स, मितावली 9 किलोमीटर्स एंड सनीचरा 7.5 किलोमीटर्स। तो वो सनीचरा वाला रोड मेरे को मेरे पापा ने सजेस्ट किया था, तो वील कम लाइक फ्रॉम सनीचरा दिस वे एंड मूव फॉरवर्ड्स टू मितावली एंड पड़ावली। बट ठीक है, ये वाला रूट भी अच्छा था, कुछ नया एक्सप्लोर हो गया मजाक मजाक में गूगल के चक्कर में। अब ये पूरा सिंगल लेन, हाँ जी दे दिया हमने राइट का इंडिकेटर। दिस इज द रूट फॉर मितावली एंड आई थिंक वो ऊपर जो है वो मितावली है, वो जो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है वही है मितावली।
और ये लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया भाइयों, मैं तो बस वीडियो बनाने आया हूँ। वही है। ओ वाओ, एक छोटी सी नहर, और ये नहर हमको इंदौर में देखने को नहीं मिलती, ये ग्वालियर में ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गांव लगे नियर बाय, तो सब नहर से कनेक्टेड है पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये खेत गजब के यार, लिटरली मतलब सब तरफ ग्रीनरी देख रहे हो आप। क्या तो गजब सीन है यार, इतनी हरियाली। ये मेतावली का गेट है, और ये ऊपर पूरा जो सेक्शन है ये मेतावली है। मेतावली मेतावली तो ये है पूरा सेक्शन। तो गाइस मैं पहुंच चुका था मेतावली, और लिटरली ज़्यादा दूर था नहीं, तो मुझे हार्डली 45 मिनट्स लगे मेतावली पहुंचने में। अब ये जो प्लेस है बेसिकली आपको एक्सप्लोर कराते हैं। और यहाँ मुझे कुछ लोकल लोग मिल गए हैं जो मेरे साथ ही ऊपर चल रहे हैं, और ये लोग यहीं रहते हैं, और ये आई थिंक शायद पहली बार जा रहे हैं ना। हाँ। ये पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर। ये भी पार्किंग एरिया है पूरा, बट मैंने अपनी गाड़ी बाहर ही लगा दी। देवपाल गुर्जर राजा। तो भैया का कहना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये यहाँ के लोकलाइट थे वो। ये मुझे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सम्राट देवपाल गुर्जर ने बनवाया था मंदिर। यह मंदिर 19वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के 10वें शासक सम्राट देवपाल गुर्जर ने बनाया था। इस मंदिर में 101 खंभे हैं और 64 कमरों में एक एक शिवलिंग है। परिसर के बीचों बीच एक बड़ा गोलाकार शिव मंदिर भी है। मुख्य मंदिर में 101 खंभे कतारबंद खड़े हैं। मंदिर के निर्माण में लाल भूरे बलुआ और नीचे का फिर कुछ ब्लर है तो दिख नहीं रहा पत्थरों का उपयोग किया गया है। नाइस। और यहाँ पे लिखा भी है ऐतिहासिक महादेव का मंदिर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश टू। तो ये गवर्नमेंट की साइड से पूरा मेंशन है कि इस मंदिर में क्या है। ले चलता हूँ आपको यहाँ से सीधा अंदर। ये मंदिर है तो शूज उतार के अपन अंदर चलेंगे। And this is a place. और इसी सेम स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होके दिल्ली का सांसद भवन भी बना है। तो गाइस भैया का कहना है कि ये जो खंभे हैं बेसिकली
न्यूज़पेपर के कटिंग में लगा था ये 101 है, बट आप इनको कभी भी गिनने जाएंगे तो ये दो कम या दो ज़्यादा निकलेंगे। इस मंदिर का बेसिकली सीन ऐसा है कि ये 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, बट कभी भी आप इन खम्भों को गिनोगे तो वो 64 नहीं निकलेंगे, या तो 62 निकलेंगे या तो 66 निकलेंगे। आपका नाम क्या भैया? भूरा गुर्जर। भूरा गुर्जर, तो ये है भूरा गुर्जर जी, और इन्होंने मुझे ऐसी जानकारी दी अभी, ये बिल्कुल गुप्त जानकारी है, तो आप लोग इस खुफिया जानकारी को कहीं और मत बांटना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो ये पूरा बाहर का कैंपस है, धूप बहुत तेज़ हो गई है, बट मज़ा आ रहा है गाइस। ये लोकल भैया से मिलके मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ, मतलब बताने को बता सकता हूँ बट जगह जगह ले जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे आप लोगों को। तो बहुत अलग अलग प्लेसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग राजाओं की कहानी है, देखते हैं समझते हैं। तो गाइस बाय बाय करते हैं मितावली को और निकलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स पड़ावली, जो आज की सेकंड डेस्टिनेशन है, बहुत नियर बाय है, मतलब यहाँ से मुझे सिर्फ नीचे जाना है और ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर के आसपास होगी। तो पड़ावली इज़ ऑल्सो मॉन्यूमेंट स्कल्पचर, तो वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे पड़ावली पे क्या है, और यहाँ की स्टेयर्स कुछ ज़्यादा ही खड़ी हुई हैं तो उतरना बहुत ध्यान से पड़ेगा, और इन भैया ने मुझे बहुत अच्छे से आगे बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो मतलब जितने मुंह उतनी बातें वाली टाइप, तो अच्छा था ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा, अच्छा था यहाँ का। मैं अकेला आया, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड, मेरे को पहली बार सोलो राइड करने को मिला, और मेरे हिसाब से सोलो राइड इज़ गुड क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कंटेंट और अच्छे से शूट कर पाता हूँ, जस्ट बिकॉज हर बार नहीं होती है किसी के लिए रुकना है, किसी के लिए जाना है, क्या करना है, Everything is like going good. बाकी सीन तो आप लोगों ने चेक कर ही लिया है, यहाँ का बहुत अच्छी हवा, मस्त सी हवा चल रही है, देखते हैं उतरते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन के लिए। टाइम है एक छोटी सी स्टोरी लेने का, तो दिस इज़ बेसिकली अ नहर, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और अलग ही सीन रहता है। थोड़े से शॉट्स लिए बट ठीक है, इट्स गुड, मज़ा आ रहा है। ओ नंगे, कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? पापा सो बॉयज एंड गर्ल्स, मितावली से निकलने के बाद थोड़े से बच्चे को छेड़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं पड़ावली, और ये पड़ावली का पूरा प्रमाइस है, तो यहाँ हम लोग अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे और फिर जाएंगे अंदर। सो गाइज वेलकम टू पड़ावली, मितावली से उतने के बाद हम लोग आ चुके हैं पड़ावली पे, और ये एक अच्छी सी प्लेस है, लाइक गार्डन है,
इसके अलावा एक और गार्डन है और ये यहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ से हम लोग जाएंगे पड़ावली के अंदर। बेसिकली इसका नाम है गढ़ी पड़ावली। अब गढ़ी पड़ावली क्यों बोलते हैं पता नहीं, बट ये दोनों प्लेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मितावली एंड पड़ावली, और बहुत ही अच्छी और पुरानी सी प्लेस है, शांति है। मैं अकेला हूँ, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। ये बेसिकली मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड होके खजुराहो मंदिर बना है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब मुझे नहीं पता खजुराहो मंदिर पहले बना है या ये मॉन्यूमेंट, आई डोंट नो, बट देखते हैं। ये है पूरा लोकेशन ऊपर से, चलते हैं अंदर की तरफ। मस्त है और पूरा सुनसान पड़ा है। तो दिस इज लोकेशन, ये यहाँ पे छोटे छोटे से खंबे हैं और सब ऐसे ही है, ये पूरे टूटे हुए हैं, ये बहुत चेंज हो गया है। मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे ये ऐसा नहीं था, अलग था, पर ठीक है। आप ये छोटे छोटे से खंबे देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब पे कुछ ना कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं रिलेटेड टू एंशियंट कामासूत्र, और ये पूरी लोकेशन है। बस ये इतना ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ रूम्स बने अंदर जो जाना बेकार है, किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे एंट्री मतलब बस यहाँ के बाद पीछे रूम्स बने हुए हैं और ये बंद है, मैंने देखा हुआ है पहले से। तो ये है बेसिकली पड़ावली। यहाँ का मेन जो है वो बस ये एंशियंट कामा सूत्र स्ट्रक्चर्स ही हैं जो हर खंबे पे कुछ ना कुछ अलग दिखा रहे हैं। लाइक ये वाले खंबे पे आप देखिए, यहाँ से कुछ डिफरेंट है, और फिर इस वाले पे उल्लू बना है, और ऊपर की साइड जो है बेसिकली ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे आप गिन नहीं सकते, इतने सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हैं कि आप गिन ही नहीं सकते कितने हैं, अलग अलग एंशियंट कामासूत्र स्ट्रक्चर्स। और ये डॉगी आ गया, क्या जंप मारी रे। तो ऐसा सा सीन है यहाँ का, बाकी सब मस्त है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने लायक ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं बस पानी पीऊँगा और निकलूँगा यहाँ से सीधा, क्योंकि गर्मी लिटरली इतनी हो गई है। द टेम्परेचर इज़ राइट नाउ लाइक 33 और 34 के आसपास, ह्यूमिडिटी बहुत है। चलिए पड़ावली से फ्री हुए हैं, अब चालू करते हैं अपनी गाड़ी और चलते हैं सीधा घर की तरफ। गर्मी बहुत तेज़ हो गई है और टाइम ऑलमोस्ट जो अभी हो रहा है वो 9 बज चुके हैं। यहाँ से घर पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगेंगे, कॉज में रास्ते में नाश्ता करने के लिए भी रुकूँगा क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख। तो मेरा घर दिखा रहा है यहाँ से 29 किलोमीटर्स, सॉरी गोले का मंदिर दिखा रहा है यहाँ से 29 किलोमीटर्स। यहाँ से बेसिकली हम सीधा चलेंगे और रास्ते में आई थिंक शायद शनिचरा टेम्पल भी पड़ेगा, तो वो भी देखते हुए कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा,
तो फाइनली वो सारी गांव की सड़कों को ख़त्म करके अपन आ चुके हैं अपने मेन हाईवे पे, और मेन हाईवे से अपन को लगते हैं दो रास्ते। अब दो रास्ते कुछ ऐसे हैं कि एक रास्ता कहता है कि यहाँ से सीधे निकल जाओ और ऐसी सी सड़कों से वापस पहुँच जाओ, और दूसरा रास्ता कहता है कि फोर लेन पकड़ो और चलो। तो हम तो फोर लेन वाले हैं ना ब्रो। अब थोड़ा सा इस गाड़ी में जरा हाथ से के जाए क्योंकि अब लगी है अपने पास फोर लेन। गर्ल्स, अभी अपन ने गाड़ी को भगा के टेस्ट किया, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब ये हाई आरपीएम पे जाती है तो ये रेस क्यों छोड़ देती है? आरपीएम का ब्लिंक आ जाता है कुछ इस जगह पे और ये रेस छोड़ देती है। पूछना पड़ेगा सारान से कि क्या सीन है इस गाड़ी का, क्योंकि मैंने इसको 146 147 तक टच किया बट उसके बाद ये रेस छोड़ रही है। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट जो भी है पता तो करना पड़ेगा यार ये चीज़ क्या है। माइट पॉसिबल BS6 है तो ये नॉर्म्स में कुछ हो, तो आई डोंट नो, बट ठीक है जैसा भी होगा पूछेंगे इस चीज़ के बारे में, कुछ नया जानकारी मिलेगा अपने को। और हम लोगों को ये फोर लेन छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमको जाना है अपने घर। यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे झांसी और डबरा, तो हम इस फोर लेन को बाय बाय करते हैं और अपने रूट पे आ जाते हैं वापस। अब हम लोग एक्चुअल में क्या, जब जाते टाइम मितावली गए थे तो हम इस रूट से इधर की तरफ हमने टर्न नहीं लिया था, हम लोग सीधा निकल गए थे। एंड आई थिंक वो भी अच्छा रास्ता था एंड आई थिंक ये भी अच्छा रास्ता है, तो दोनों रास्तों में कोई भी कमी नहीं है। हम लोग मस्त दोनों रास्ते कवर करके गए और इसी बहाने हमारे दोनों रूट्स भी कवर हो गए कि एक रूट कैसा है और दूसरा रूट कैसा है। अब वापस अपन आ चुके हैं अपनी वही रोड पे जहाँ पे मेरा कॉलेज था, मेरे पापा की शॉप थी, मेरा स्कूल था, तो वही सब पुरानी यादें वापस से। तो मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ यार इस राइड को, मेरा तो ऐसा है कि मैं तो कर रहा हूँ इन्जॉय, मैं तो अपने लाइक बैक टू ओल्ड डेज वाला सीन है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग चेक नहीं किए तो प्लीज़ गो चेक इट आउट ऑल दी व्लॉग्स। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन सारी वीडियोस को, क्योंकि आपके चुग्गी को चाहिए आपकी मदद टू कंप्लीट द वॉच आवर्स। लाइक वो 4000 घंटे कंप्लीट करने होते हैं गाइस, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतनी मेहनत से मुझे सपोर्ट भी करेंगे, मुझे प्यार करेंगे। बाकी साइन इन ऑफ दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ फ्रॉम ग्वालियर।